नमस्कार, मैं हूं पीयूषम और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। देखिए, मायावती के भतीजे की शादी है, आकाश आनंद की शादी 26 मार्च को होने वाली है, यानी कि अब से एक हफ्ते बाद ही उनकी शादी है। और इसकी शादी की शादियां काफी धूमधाम से चल रही है। मायावती की जो भतीजे की शादी है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि 1500 हाई प्रोफाइल गेस्ट आ सकते हैं, यानी कि राजनीतिक जगत से आ सकते हैं और उद्योगपति भी उसमें शामिल होते हैं। एक्टर एक्ट्रेसेस सब देखिए मायावती की भतीजे की शादी में, आकाश आनंद की शादी में शामिल हो सकते हैं। और देखिए कि काफी टाइम से देखिए कयास और अटकले लगाए जा रहे थे कि जो आकाश जो है वो अपनी पसंदीदा लड़की से शादी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मैरिज हुई है, जो शादी हो रही है, वो अरेंज मैरिज बताई जा रही है। और तो और देखिए कि समाजवादी पार्टी के ही जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो एक तो आकाश आनंद राष्ट्र कोऑर्डिनेटर हैं और जो समाजवादी पार्टी के जो राज्य कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी बेटी से ही देखिए शादी हो रही थी। और बेटी जो है वो इस वक्त डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी वो, और बीएसपी में भी देखिए काफ़ी बड़े बड़े पदों पर रह चुकी है। और दोनों की शादी देखिए इस वक्त 26 मार्च को होने वाली है। और ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह जो हो गए, अखिलेश यादव हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, सब उसकी शादी में शिरकत करेंगे। शादी कहाँ होगी? शादी होगी यूपी के ही हरियाणा के गुरुग्राम में देखिए उनकी शादी होगी। और ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पे अतीक अहमद के परिवार वाले भी होने वाले हैं। देखने वाली बात है कि आखिरकार शादी में और क्या कुछ देखने को मिल सकता है, कौन कौन वहाँ पे शिरकत कर सकता है। और साथ ही साथ जैसे अखिलेश यादव की शादी में देखिए के ऊपर काफी बवाल मचाया था बीजेपी ने, ऐसे ही मायावती के भतीजे की शादी में क्या बवाल मच सकता है, ये देखने वाली बात है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।